नमस्कार दोस्तों, हम आज ढूंढस यूनी चौराहे पर खड़े हुए हैं, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ट्रैफिक सिग्नल की। एक बहुत विचित्र ट्रैफिक सिग्नल सियूनी प्रशासन द्वारा यहां पर इंस्टॉल किया गया है, जिसका औचित्य क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। यह ट्रैफिक सिग्नल मंडला से आने वाले ट्रैफिक को तो नियंत्रित करता है, लेकिन यहाँ पर सियूनी शहर से आने वाले ट्रैफिक और बालाघाट से आने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। और आप जानते हैं कि अगर अच्छे यातायात को नियंत्रित करना है तो ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिससे यहाँ पे इस सुविधा के ना होने से यातायात के चलते, बढ़ते यातायात और बढ़ते वाहनों के चलते एक्सीडेंट्स की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। आइए जानते हैं यहाँ पे रहने वाले लोगों से कि उन्हें इस सिग्नल से कोई सुविधा हो रही है या नहीं हो रही। आपका नाम क्या है? योगेंद्र सिंह। भैया, प्रशासन द्वारा यहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है, तो इससे कुछ सुविधा हो रही है नहीं हो रही है? ऐसे तो कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सामने तरफ देखा नहीं जा सकता और कोई जेब्रा लाइन नहीं है जिससे आइडेंटिफाई हो कि यहाँ कोई सिग्नल है, तो वो पब्लिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये सिग्नल है और यहाँ रुकना है। जनरली लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं या देख कर रुक नहीं पा रहे हैं। इसमें अभी तक कोई ऐसा यूज नहीं है पब्लिक का। तो आप अक्सर देखते होंगे यहाँ से आने जाने वाला जो यातायात है, जो ट्रैफिक है, इसको तो आप हमेशा अक्सर देखते होंगे, है ना? जो प्रशासन द्वारा जो यहाँ ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है, तो इसकी कोई सुविधा हो रही है नहीं हो रही है? नहीं, अभी यहाँ पर गाड़ी तो रुकती नहीं है, सीधी आती है सीधी निकल जाती है, बड़ी वाहन भी नहीं रुकती। जैसे देखते हैं कि मतलब इधर से कोई गाड़ी आ रही तभी रुकती, वैसे रुकती नहीं गाड़ी। अच्छा, मतलब ये ट्रैफिक सिग्नल लगाने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे? नहीं, वो फायदा तो है, हमारे बहुत सी बड़ी गाड़ी जो देख लेते हैं लाइन रोड वाले वो रोक लेते हैं, बाकी छोटी छोटी रोड वाले नहीं रोकते। छोटी गाड़ी वाले नहीं रोकते यहाँ पे? नहीं रोकते। जो सियूनी प्रशासन द्वारा यहाँ ढूंढस यूनी चौराहे पे जो ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया है ये यातायात के संचालन के लिए, तो इससे कोई सुविधा हो रही है नहीं हो रही है? नहीं, इसमें सुविधा तो नहीं हो रही है। ऐसे बाहर की गाड़ियाँ से फॉलो करती है रूल का, बाकी लोकल लोग फॉलो नहीं करते। सियूनी के लोकल लोग ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो नहीं करते हैं? कोई फॉलो नहीं करता यहाँ पे? नहीं। चलिए ठीक है, उचित यातायात के लिए प्रशासन को बालाघाट रोड और सियूनी रोड में एक एक ट्रैफिक सिग्नल लगा देना चाहिए, या फिर तब तक इस ट्रैफिक सिग्नल को बंद कर देना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।